रेड का पीस, एक कोबाल्ट का, एक ब्लू का और एक मोव का। तो इसका प्राइस बताता हूँ। हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राहुल आर एक्सोटिक से आप सबका स्वागत करता हूँ हम सबके अपने चैनल एनिमल जगत में। यह हम डिटेल्स में एनिमल्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, फिशेज सबके बारे में शेयर करते हैं चीज़ें और कुछ नया सीखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एकदम फ्रेश वीडियो। जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लू फिशरीज़ के बारे में। ब्लू फिशरीज़ में इसमें काफ़ी 4-5 कलर हैं और उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या हैं क्या नहीं है। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, कुछ अच्छा लगे, तो इस पर आप लाइक बटन ज़रूर दबा के जाना और हो सके तो शेयर भी करना। तो बात करते हैं फिशरीज़ की। जो फिशरी लवर्ड हैं ये अफ्रीका के हैं, जैसे सबको पता है ओरिजिनेट इसका अफ्रीका का है और काफ़ी पॉपुलर हैं इस हॉबी में। काफ़ी लोगों के पास होते हैं। हाँ, लुटिनो जो लव बर्ड्स नॉर्मल वाले होते हैं, पीच फिशेज उसके बाद यही होते हैं। और काफ़ी मार्केट भी डाउन है जो ग्रीन फिशरी होता है उसका। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं फिशरीज़ में, जैसे जो महंगे बर्ड हैं वो भी फिशरी में ही मिलते हैं और सबसे सस्ता भी फिशरी में ही होता है। और सबसे महंगे जिसमें काम हो रहा है, जो सबसे महंगे बर्ड्स आजकल चल रहे हैं लव बर्ड्स में, जिनकी कीमत 5-5, 6-6 लाख रुपये भी होती है, वो फिशरी में ही होती है। तो अब फिशरी के बारे में बताते हैं कि एक अफ्रीकन बर्ड है और ये कुछ करीब 5.5 इंच का इसका साइज़ होता है और कुछ 50 ग्राम का इसका वेट होता है। और जो बेसिक कलर होता है इसका, एक ग्रीन कलर होता है जो कि वाइल्ड में मिलता है। और ये जो ब्लू कलर हैं और बाकी कलर हैं ये सारे ग्रीन से ही डेवलप हुए हैं। और ग्रीन का जो होता है बेसिकली लुटिनो बनता है, जिसको येलो कहते हैं हम। ग्रीन से येलो आता है और ब्लू एक अलग है। और ब्लू जो है इससे इसके में इस सीरीज़ में होते हैं जो ब्लू हो गया, कोबाल्ट हो गया, वायलेट हो गया, मोव हो गया, एल्बिनो हो गया, ये सारे ब्लू के सीरीज़ के हैं जो कि 4 आप वीडियो में देख रहे हैं। और एल्बिनो की मैं कभी वीडियो बना दूंगा, वो भी मेरे पास पड़ा है पर मैंने उसमें डाला नहीं क्योंकि मुझे श्योर नहीं है कि एल्बिनो में। एक तो किसी को श्योर ही नहीं होता है कि वो मास्क है कि फिशर है, तो एल्बिनो कोई नहीं बता सकता है कि मास्क है कि फिशर है, क्योंकि उसके सारे जो मास्किंग वगैरह होती है उसके पिगमेंट्स के चक्कर में सारा कुछ उड़ जाता है, वो पूरा ही वाइट होता है। तो ब्लू जैसे है, ये ब्लू हैं, ब्लू जो है ये प्रीडोमिनेंट कलर होता है। और इसके बारे में बताता हूँ मैं। इसके जैसे इसकी जो बैक होगी वो पूरी ब्लू होगी, टेल भी ब्लू होगी, जो चेस्ट होगी थोड़ी लाइट कलर में होगी, जो ऊपर कलर होगा उससे थोड़ा लाइट होगा, चाहे ब्लू हो चाहे वायलेट हो चाहे कोबाल्ट हो, जो सभी कलर ऊपर होगा बैक पे उससे थोड़ा सा लाइट हो उसके चेस्ट पे होगा। और जिसकी नेक है वो नेक जो होगी वो वाइट होगी पूरी, और जिसका हेड होगा वो पेल हेड, पेल ग्रे होगा, और जो डर्टी टाइप होता है ऐसा जैसे इस वीडियो में दिख रहा है वैसा होगा। और इसको मास्किंग है, इसकी जो आइज़ के साइड से, जो जहाँ से आइज शुरू होती है वहीं से इसका हेड शुरू होता है और नीचे उसके थोड़ा सा वाइट कलर ही रहता है। और इसकी जो आइज़ का रिंग होता है और जैसे मास्क में होता है वैसे इसमें रिंग इसमें भी होता है। तो लोग इसको मास्क और फिशरी में कईयों को नहीं फ़र्क पता लगता है, तो मैं फिशरी और मास्क में ही बता देता हूँ। जो इसका आइस के आस जो जहाँ पे इसकी आइस ख़त्म होती है, जहाँ पे इसका डार्क कलर दिख रहा है उसको पूरा घुमा दोगे आगे फ्रंट तक, मतलब जहाँ आगे से पीछे तक का पूरा एक राउंड सर्कल लगाओगे उसका पूरा, तो वो होगा मास्क का। और जो फिशरी होगा वो होगा आपका जो जो इसमें दिख रहा है, जो फ्रंट से वाइट होगा और पीछे से थोड़ा सा डर्टी सा होगा। और जो मास्क मास्क होता है जिसको पसनाटा भी कहते हैं, उसका पीछे जो होता है वो वाइट कॉलर में आ जाता है। आजकल वाइट कॉलर काफ़ी चल रहा है तो उसका थोड़ा क्लियर हो जाता है। जो 5 mm की जो उसकी पट्टी होती है कॉलर में वो थोड़ी वाइट होती है, और बाकी जो हेड होता है और फेस होता है वो पूरा ब्लैक होता है। एक अल्बिनो होता है जो ब्लू सीरीज़ का ही बर्ड है, और ग्रीन सीरीज़ में जो बर्ड होता है उसमें लुटिनो होता है। तो जो आजकल काफ़ी फेमस है, जो सबसे ज़्यादा कमर्शियल बर्ड है, जो हाथ लगाते ही बिक जाता है, सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाता है वो एल्बाइनो है और लुटिनो है। लुटिनो जो येलो वाला होता है जिसका ऑरेंज हेड होता है और रेड आइज़ होती हैं, और जो एल्बिनो होता है वो पूरा वाइट होता है और उसकी रेड आइज़ होती हैं। और जैसे ये फिशरीज हैं और ये जो है विजुअली सेक्स इसमें नहीं पता लगता है कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। हाँ, जब एडल्ट हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो मेल फीमेल का पेल्विक बोन से पता लग जाता है। उसके बारे में भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा, पेल्विक बोन कैसे चेक करते हैं। तो लेकिन वो उसके लिए एक होता है कि फीमेल ने कभी ले किया होगा, अगर फीमेल ने ले किया होगा तो उसकी पेल्विक बोन जो होगी काफ़ी वाइड हो जाती है, तो उससे पता लग जाता है हाथ लगा के कि मेल है कि फीमेल है। और जो बाकी इसका फीट का है, फीट उसकी वही सेम होती है जो बाकी बर्ड्स की, जैसे मैंने बाकी वीडियोज़ में ही बताया है।
तो फील्ड के बारे में भी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन, वो एक वीडियो मेरी पेंडिंग है, वो भी बनाऊंगा कभी। पर इसकी जो बेसिक फीड होती है वो कैनरी सीड हो गए, मिलेट्स हो गए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेट्स हो गए, बाजरा कंगनी जैसे होते हैं, और सनफ्लावर थोड़ा सा, और सैफ्लावर तो खाते नहीं है, खैर थोड़ी सी पैडी और थोड़ा सा ओट्स। बाकी सॉफ्ट फूड में ये सारा कुछ खा लेते हैं, जितनी भी दाल वगैरह दोगे आप खा लेंगे ये। और एग फूड तो बहुत शौक से खाते हैं, मेरे पास तो एटलीस्ट एग फूड बहुत खाते हैं। अगर बच्चे होंगे तो एग फूड इनको जरूर मस्त दो, और बच्चों में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, मतलब सर्वाइवल रेट उसका बढ़ जाता है बच्चों का। बाकी आप इनको, अगर आपको मेरे हिसाब से करना है तो ब्रीडिंग अगर प्रॉपर चाहिए और इनकी हेल्थ अच्छी चाहिए तो आप इनको ग्रिट यूज़ करो। मैं भी यूज़ नहीं करता था, मैंने भी एक साल से यूज़ करनी शुरू की है और इस साल मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है, तो मैं सोचा आपके साथ ये शेयर कर लूँ। ग्रिट आप यूज़ करो, ग्रिट अच्छी कंपनी की मिल जाती है बाज़ार में, वर्सेला का है, बेनेलक्स है, और डेली नेचर है, इन सब में किसी की भी ग्रिट यूज़ कर लो। तो ग्रिट आप यूज़ करो, इससे इनका डाइजेशन वगैरह काफ़ी अच्छा हो जाता है। और जो इसके केज साइज़ है, केज साइज़ भी वही जो मैंने पहले वीडियो में बनाया है, तो मिनिमम जो है 2.5 फीट का केज चाहिए इनके लिए, एक ब्रीडिंग पेयर के लिए। और छोटा बड़ा जितना मर्जी दे दो, मिनिमम 2.5 फीट का केज चाहिए। और ब्रीडिंग बॉक्स का जो है वो वर्टिकल लगाओ या हॉरिजॉन्टल लगाओ, जो मर्जी लगाओ, सब पे ब्रीड कर जाते हैं। और नेस्टिंग इनको जो होती है उसकी करनी होती है, जो पेंट ब्रश होता है, जिसको जो पुराने चलते थे कुची जिसको कहते हैं, उसकी उसकी मैं कभी मेरे पास फ़ोटो होगी तो मैं डाल दूंगा, नहीं तो मैं आगे कभी वीडियो में बना दूंगा उसका। तो उसकी नेस्टिंग हो जाती है। और जो इसका एग साइज़ होता है, क्लच साइज़ होता है, क्लच साइज़ वेरी करता है कितने टू कितने अंडे हैं। मिनिमम ये 3 देते हैं और मैक्सिमम ये 8 भी दे देते हैं, तो एवरेज जो होता है 5-6 अंडों का एवरेज होता है, जिसमें से 4-5 का सर्वाइवल आराम से हो जाता है। ब्लैक आई जो होते हैं, ब्लैक आई में तो 4-5 का आराम से सर्वाइवल हो जाता है, रेड आई में जो है 3-4 का होता है। तो उसके बाद वो आपको देखना है कि कैसे बचाना है। और इसका जो इंक्यूबेशन टाइम होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है, वो 23 दिन का होता है, और 1.5 महीने में अप्रोक्सीमेटली 23 दिन के बाद जब बच्चा निकलता है तो 1.5 महीने के बाद वो फ्लैज हो जाता है, मतलब नेस्ट से बाहर आ जाता है, और 20-25 दिनों नेस्ट के अंदर ही रहता है, मतलब केज के अंदर ही रहता है, जो खाना खाना सीखता है। तो इसका जो एक साइकिल होता है ब्रीडिंग का, वो 3 महीने का होता है अप्रोक्सीमेटली। तो जैसे कि अब ब्रीडिंग सीजन में अब कराते हैं, तो लोग के पास तीन, अगर आप इनसे कराओगे तो 3 क्लच निकलते हैं, और अगर आप फॉस्टरिंग कराते हो तो 4 क्लच निकल जाते हैं। और जैसे मैं कराता हूँ, मैं हैंड फीडिंग कराता हूँ, मैं 5 या 6 क्लच भी ले लेता हूँ। जो ये बच्चे हैं, ये इनके पेरेंट्स का 6ठा क्लच है, और वो अभी एक और बार अंडे लेके बैठे हैं। तो अभी मैंने कोई पूरा साल ब्रीडिंग नहीं कराया है इनको, मैंने जो नेस्ट बॉक्स दिया था इनके पेरेंट्स को वो 15 अगस्त को दिया था, और अब लगा लो कितना टाइम हुआ है। तो पर ये है कि जब ये बच्चे 10-15 दिन के होते हैं तो मैं हैंड फीडिंग पर उठा लेता हूँ, और उसके बाद वो 10-15 दिन के पेरेंट्स आराम से रेस्ट लेते हैं, उसके बाद फिर वो अंडे दे देते हैं। और अंडे मैं कहीं नहीं करता हूँ, इधर उधर नहीं करता हूँ, वो कर लेते हैं। और एक क्लच साइज जो था, और किसी को लगे कि इनके पेरेंट्स का जो क्लच साइज़ है वो कम हो जाएगा, या 2-4 अंडे दे रहे होंगे इतने बैक टू बैक ब्रीडिंग के बाद, इनका जो क्लच साइज था उसने 8 अंडे दिए थे, जिसमें से 6 बच्चे निकले थे, 2 महीने इधर उधर फेरे हुए थे, इनके पेरेंट्स ने 4 पाले हैं और 2 महीने किसी और से फॉस्टरिंग कराई हैं। तो उसकी वीडियो मैंने भी वीडियो में नहीं लाया, क्योंकि कलर सेम ही थे, तो मैंने सोचा जिस चीज़ की ज़रूरत है 4 अलग अलग कलर्स के डाल देता हूँ, तो वो डाल दिए मैंने। ये जो बच्चे हैं ये मैं सारे सोच रहा हूँ कि रिटेन कर लूँ, तो आपके साथ मैं शेयर भी करता हूँ कि मेरे क्या सोचा हुआ है। जैसे कोबाल्ट है जो, उसको मैं मोव के साथ लगाऊंगा, जिसके एक्सपेक्टेड बच्चे जो होते हैं ज़्यादातर वायलेट निकलते हैं, और वायलेट बच्चों की आजकल कीमत जो कोबाल्ट और मोव है इनसे ट्रिपल चलती है, ये एटलीस्ट इंडिया में ट्रिपल कीमत है इसकी, मतलब प्राइस इसका ट्रिपल है। और जो मेरे पास वायलेट बच्चा निकला है उसको मैं पार ब्लू ईविंग के साथ लगा दूंगा, मेरे पास एक ईविंग पार ब्लू के 2-3 पीस हैं, तो उसके साथ मैं इसको लगा दूंगा, और ब्लू जो है वो इधर उधर कर फॉस्टिंग फूस्टिंग के लिए यूज़ कर लूँगा। और एक्स्ट्रा 2-4 पीस रखने चाहिए हमेशा, तो 2-4 पीस मैं एक्स्ट्रा हमेशा रखता हूँ, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, कभी ना कभी यूज़ हो जाते हैं, तो आपका सीज़न वेस्ट नहीं होता है, कोई आपके पास कोई फीस डैमेज हो गया, इधर उधर हो गया, तो आपको यूज़ हो जाता है। और ये सारे बच्चे मैंने हैंड फीडिंग पे उठाए हैं, आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो घर पे खाली बैठते हैं, फ्री बैठते हैं, तो इनको हैंड फीडिंग करके टाइम पास भी अच्छा हो जाता है। तो मेरे पास एटलीस्ट नहीं तो इस वक्त 35-40 बच्चे हैं जिनको मैं हैंड फीड करता हूँ, तो मेरे 1.5-2 घंटे तो इनकी हैंड फीडिंग में पूरा 24 घंटे में से निकल जाते हैं, और 1-2 घंटे मेरी साफ सफाई इनके सारे उसमें निकल जाते हैं, तो मेरा अच्छा टाइम पास इससे हो जाता है।
बाकी इनको मैं 1 महीना 1.5 महीना इनको छोटे पिंजरे में रखूँगा भी, जब तक ये सेल्फ नहीं हो जाते। सेल्फ होने के बाद भी 1 महीना इनको छोटे पिंजरे में रखूँगा। उसके बाद मैंने एक बड़ा पिंजरा बनाया हुआ, बड़ा मेरे पास एक रूम है जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई है फिंच के ऊपर, तो उसमें शिफ्ट कर दूंगा। जब तक सीज़न नहीं आता है तब तक 5-6 महीने उसमें पड़े रहेंगे, और अच्छा फ्लाइट लेंगे और अच्छा साइज स्विच कवर कर लेंगे ये। तो इस वीडियो में, अब जैसे मैं हर वीडियो में सबको प्राइस के बारे में बहुत जानना होता है, तो मैं इसके प्राइस के बारे में बता देता हूँ। और प्राइस जो होता है इसका, जो ब्लू है, कोबाल्ट है और मूव है, इसका अप्रॉक्सीमेटली 4,000 से लेके 6,000 का पेयर होता है, 1-2 हज़ार ऊपर नीचे हर एक कलर के ऊपर से। जो ब्लू होता है सबसे सस्ता होता है, बाकी इससे ऊपर ऊपर होता है। और जो वायलेट है, वायलेट मैंने लिया था वो, मैंने 14,000 का पेयर लिया था, तो आज की डेट में भी इसका पेयर जो होगा 13-12-13 हज़ार का पेयर होगा वायलेट फिशरी का। तो अभी आपको और इसके बारे में कुछ और भी जानना है, कुछ इसकी वर्किंग वगैरह के बारे में कुछ आपको पता करना है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो उससे एक तो हम एंगेज रहते हैं, हमें आपका पता लग जाता है कि वन साइडेड इसमें कम्युनिकेशन में मैं ही बोलता हूँ, तो मुझे आपका पता नहीं लगता। फीडबैक दीजिए अपने कमेंट्स में, आपको क्या चाहिए इसके बारे में, क्या और डिटेल में वीडियो चाहिए, तो उसके बारे में हम आगे वर्क करेंगे। तो और आप हमको फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे हम रेगुलर कुछ ना कुछ नया डालते रहते हैं, तो आप वहाँ पे एक बार ही जाके हमको चेक जरूर कर दिए, आपको पसंद आएगा। और आप हमको यहाँ पे सब्सक्राइब करके जाएं और लाइक और शेयर करके जाएं वीडियो को। साइड पे एक बेल बटन होगा, उसको प्रेस करें ताकि जो भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।